पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? वो स्कूल वाले बोल रहे कि फीस लेके आना, फिर स्कूल आना, वरना आना ही मत। क्या करूं यार, फसल का भाव ही नहीं आ रहा ढंग का। लम्बे शाम तक कुछ जुगाड़ करता हूँ पैसे का, है ना। लक्ष्मी, वो लक्ष्मी स्कूल ले जा इसको। स्कूल में कहना कि 2-3 दिन में फसल बेच के फीस भर देंगे पूरी, ठीक है? ठीक है कालू, चल बेटा बस थोड़ा चल स्कूल चल। रो क्यों रहा है तू? मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बताए गिलास में बिठाते नहीं है और मुर्गा बना के खड़ा कर देते खोल के यहीं पढ़ ले, ठीक है? मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, है ना? ठीक है, पढ़ लूंगा यहीं पे। विनीता। हाँ दीदी। कुछ पैसे पड़े हैं क्या तेरे पास? कितने चाहिए दीदी? 2000। चलो वो कालू की फीस भरनी थी, मैं दे दूंगी 3-4 दिन में। हाँ कोई नहीं, दे देना। सुबह सुबह उठ के हमें सबसे पहले बड़ों का को नमस्कार करना। कालू पढ़ रहा तब से? आ चल बेटा ला बस उठा चल स्कूल चल। नहीं जाऊंगा बिना फीस के। फीस ले आई थी चल। ठीक है। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ ये वो कालू की फीस है, आधे साल की है, बाकी बच्चों की फसल दिखते ही दे देंगे, वो 1-2 दिन में जाएंगे कालू के पापा। ठीक है कालू, जा बेटा क्लास में जाके बैठ जा। हमें मजा तो आता नहीं है जी बच्चों को बाहर भेजने में, और वैसे भी आपका कालू तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, मुझे तो खुद बड़ा दुख होता है। पढ़ाई में तो होशियार है पर वैसे बहुत बदमाश है। हाँ थोड़ा शरारती तो है ये। हाँ बच्चों से लड़े ना किसी से, ठीक है? हाँ जी कोई ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है नमस्ते। नमस्कार। पूरे कपड़े ही कपड़े ऐसे फेंक के चला जाएगा, 10 बार बोल दिए कि छोरा हाथ में दे दिया, अब क्यों आ गया तू स्कूल से, फीस भी दे के आ गई मैं तो। आंटी। हाँ चिंकी। आंटी इसने बुरा की खोपड़ी तोड़ दी स्कूल में, इसलिए स्कूल वालों ने भगा दिया इसको। अरे मोरी मैया, ये नौस पीटा खा गया मुझे तो। क्यों फोड़ी तूने बुरा की खोपड़ी है? वो यूं कह रहा था कि मेरे पापा ने पैसे दिए फीस के, तेरे बाप के पास तो पैसे ही नहीं है। उसके बाप से ही तो तेरी फीस भरी है कुत्ता। हाँ तो मेरे पापा के लिए बोलेगा ना तो ऐसे ही पीटूंगा। तेरे बाप को आंदे आज, आज तो तेरी खाल है वही उधेड़ेगा, देख तू आज। आज तो मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाऊं बिल्कुल ही, आज तो तेरा बाप ही देखेगा तुझे। और बेटा एक भी बाहर बचाऊंगी नहीं, चाहे पुकार पुकार के मर जाइए तू।